लगभग तय हो चुका है। विजय तिलक ये जो है भगवा रंग का है, 17 निकाय पर बीजेपी का परचम लहराता नजर आ रहा है। निकाय के नायक के तौर पर बीजेपी की पहचान फिर से स्थापित होगी 17 की 17 सीटों पर। और एक बड़ी खबर मिल रही है लखीमपुर से, क्या खबर है आपको बताते हैं। लखीमपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं, लगातार रुझान अब परिणामों में नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं और वही इस वक्त बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी में सपा की स्नेहलता जीत गई है। जी, स्नेहलता का परचम बुलंद हुआ है लखीमपुर में। नगर पंचायत ओल से सपा प्रत्याशी स्नेहलता चुनाव जीत गई है, यह परिणाम है। स्नेहलता लखीमपुर खीरी में सपा की उम्मीदवार है और एक स्नेहलता मेरी सहयोगी है यहाँ पर। बिल्कुल राजेंद्र, ये मेरे नाम वाली प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी से आती है और वो विजयी है, उनको उनके माथे पर विजय तिलक सज चुका है, स्नेहलता विजयी है। बिल्कुल, तो लखीमपुर में समाजवादी पार्टी जीत गई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये परिणाम है, ये रुझान नहीं है, परिणाम है। और हम आपको बता रहे हैं, देखिए लखीमपुर खीरी का समीकरण क्या है। नगर पालिकाएं, 4 नगर पालिकाएं हैं लखीमपुर खीरी में, मोहम्मदी, पलिया कलां, लखीमपुर खीरी और गोला गोकर्णनाथ। और आप देखिए 3 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और लखीमपुर खीरी की जो सदर सीट है नगर पालिका की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, किसी निर्दलीय को यहाँ पर अवसर मिला है। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर 8 नगर पंचायतें हैं। बिल्कुल राजेंद्र, शुरू करते हैं निघासन, बीजेपी की जीत, भिंडौरा बीजेपी की जीत, भीरा पर अन्य काबिज हैं, ओएल दखवा से समाजवादी पार्टी की जीत है, खीरी टाउन के लिए समाजवादी पार्टी की जीत की खबर है, धौरहरा बीजेपी के लिए है, बर्बर अन्य है, मैलानी अन्य है। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है, भाजपा प्रत्याशी गीता पंडित 5756 वोटों से जीत गई हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, बीजेपी की जीत गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी में, भाजपा प्रत्याशी गीता पंडित जीत गई है 5756 वोटों से, ये बड़ी जीत मानी जाएगी नगर पालिका में। स्नेहलता, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर से दादरी, अगर नगर पालिका की बात कर ले, यहाँ बीजेपी प्रत्याशी गीता पंडित हैं और उनके माथे पर भी विजय तिलक है। कितना दमखम दिखाया गया है, कहाँ कहाँ गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े सामने आ रहे हैं बताएंगे राजेंद्र। जरूर, यहाँ पर दादरी नगर पालिका है गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, गीता पंडित अभी अभी हम आपको बता रहे थे 5,700 से ज्यादा वोटों से विजय रही है। नगर पंचायतों की अगर बात करते हैं, 5 नगर पंचायतें हैं जिले में, धनकौर, जेवर, बिलासपुर, रबुपुरा और जहांगीरपुर। बिल्कुल, धनकौर से बीजेपी की जीत की खबर मिल रही है, जेवर पर अन्य काबिज होते नजर आ रहे हैं, बिलासपुर से भी अन्य की जीत दिखाई दे रही है, जहांगीरपुर से बसपा के विजय की खबर मिल रही है और रबुपुरा से बीजेपी। यानी गौतम बुद्ध नगर के नगर पंचायत का ग्राफ आप देखें, अध्यक्ष के पद पर 2 पर बीजेपी है, 1 पर बसपा है, 2 पर अन्य काबिज हैं। अब तमाम पार्टियों को राजेंद्र ये सोचना होगा, ये अन्य है कौन, किसके किसके बागी हैं और इनकी विजय इतनी सुनिश्चित कैसे हो पाई। मुरादाबाद में लेकिन मुख्य बल गिरी है सपा, जो गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, जहां पर सांसद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में विधायक है सपा के, वहां पर देखिए क्या नतीजे रहे। अपने गढ़ मुरादाबाद में सपा की शर्मनाक हार की खबर मिल रही है, कैसे हम आपको बताएंगे। सपा का मेयर प्रत्याशी 4th स्थान पर रहा है, बहुत बुरा प्रदर्शन, सपा का मेयर प्रत्याशी 4th पायदान पर चला गया, पहला तो छोड़िए, दूसरे और तीसरे पायदान पर भी नहीं रह पाया। भाजपा यहां पर विजय रही है, विनोद अग्रवाल ने हैट्रिक बनाई है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। उबैदुर, देखा जाए तो विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, उसके बाद इतनी मुंह के खाने की नौबत कैसे आई, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है। देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था मुरादाबाद, यहाँ पे मुरादाबाद में 6 विधानसभाएं हैं, 6 में से 5 विधायक सपा के हैं और लोकसभा में सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। उसके बावजूद मुरादाबाद नगर निगम में अगर हम बात करें तो मेयर के चुनाव में बुरी हालत रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, 4th स्थान पर रहे और जो पार्षद हैं 70, उसमें सिर्फ 3 पार्षद सपा के जीत पाए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सिर्फ 3,500 वोटों के आसपास से कांग्रेस प्रत्याशी जो है मेयर का चुनाव हारे हैं। पिछली बार भी कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी लेकिन इस बार बहुत करीब से हार जीत का फैसला हुआ है और कांग्रेस के 30-32 पार्षद चुनकर आ चुके हैं तो और बसपा के भी 2 पार्षद आ गए। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, जहाँ पर 2 बार मेयर समाजवादी पार्टी का रहा है मुरादाबाद में, उस मुरादाबाद शहर में समाजवादी पार्टी की ये हार कहीं ना कहीं समाजवादी के किले को ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं और
यही हाल बराबर के जिले में रामपुर में हुआ है समाजवादी पार्टी का, कि वहाँ पर स्वार सीट भी समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार गई। तो ये जो बिल्कुल अब ये पार्टी को सोचना होगा उबैदुर की आखिरकार कैंडिडेट गलत रहे, प्रचार प्रसार में कमी रही, या अपनों ने ही धोखा दिया, भीतर घात हुआ, ये तमाम सवाल सोचना होगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन चूंकि मुरादाबाद की बात हो रही है, उसके नतीजों की बात हो रही है, आपको विस्तार में पूरा समीकरण ही दिखा देते हैं। ये रहा मुरादाबाद का समीकरण, नगर पालिका दो है यहाँ पर, बेलारी और ठाकुर द्वारा दोनों नगर पालिकाएं समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। लेकिन हम मेयर सीट की बात कर रहे थे, वहां चौथे नंबर पर रही है। नगर पंचायतों की बात करते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, आइए नगर पंचायत अध्यक्षों की डिटेल देखते हैं। भोजपुर, धर्मपुर, भाजपा, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखें। लेकिन काजल निषाद गुस्से में है, गोरखपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, सुनिए क्या कह रही है। अजय निषाद गुस्से में दिखाई दे रही है गोरखपुर में, कुछ हंगामा भी हुआ लगता है वहां पर, पुलिस भी सक्रिय है अपने समर्थकों के साथ। पूरा हंगामा दिखाई दे रहा है राजेंद्र, किस तरीके से एक शख्स को जो व्हाइट शर्ट में था पुलिस जबरन लेकर के जा रही है। काजल निषाद की बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर देखी जा सकती है, पुलिस का जमावड़ा जो कि काउंटिंग के दौरान रहता है, लेकिन इस तरीके से एक जगह पर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर माहौल में तनातनी है। गोरखपुर से हार का सामना समाजवादी पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस भी रही काजल निषाद हैं। कुछ कह रही है वो, सुनते हैं। धांधली हो रही है, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ, या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं, मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई नहीं। अरे भाई, 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया, क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए। कंप्यूटर का खेल है कि हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, मैं कैसे समझूं। मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गरीबों का यह शहर नहीं है। मैं समझ गई हूँ, अच्छे से मुझे जवाब दे, जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूँ। अरे वो मैं बोल रही हूँ, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बात कर लेते हैं, देख लीजिए, आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ, सर बैठ जाइए, बात करते हैं, आइए आइए सर, बात करते हैं। तो आपने देखा काजल निषाद कह रही है कि वो आत्मदाह कर लेंगी, दोबारा चुनाव हो, फिर वो कहती है मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है। काजल निषाद बहुत गुस्से में थी, वहां पर पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कैसे इतने वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया, उनकी समझ से बाहर है, कहां से इतने वोट आए, और वो कह रही है कि दोबारा चुनाव कराए जाए, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वरना वो आत्मदाह कर लेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त गोरखपुर से। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद का ये कहना है कि आखिरकार सरकारी मशीनरी का गलत दुरुपयोग करके उन्हें हराया गया है, कुछ ऐसे पैलेट थे, पेपर थे, वो कहां गए, क्यों नहीं खोले गए, प्रशासनिक अमले पर खुल करके वो आरोप लगा रही है। और जिस गोरखपुर की बात हो रही है, आइए उस गोरखपुर का पूरा समीकरण आपके सामने हम रख देते हैं। गोरखपुर जी नगर पंचायत अध्यक्षों की बात कर ले, यहाँ पर कई नगर पंचायतें, गोरखपुर बड़ा मंडल, यहाँ पर उर्वा बाजार में भाजपा का परचम लहरा रहा है, बड़लगंज में समाजवादी पार्टी है, बांसगांव में अन्य की बात दिखाई दे रही है, सहजनवा में भाजपा है। बिल्कुल, और पीपीगंज से बीजेपी की जीत की खबर मिल रही है, पिपराइच से भी भाजपा का कैंडिडेट जीता है या जीत सकता है, गोला बाजार से बसपा की जीत है, कस्बा संग्रामपुर उनवल से बीजेपी की जीत की खबर मिल रही है, और घगसरा बाजार से अन्य, मुंडेरा बाजार से अन्य, और चौमुखा से बीजेपी की जीत ये दिखाई दे रही है।
गोरखपुर में नगर पंचायत अध्यक्षों की पार्टी का आकलन आप कर लीजिए इस ग्राफ से। कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी का खाता खुल गया है। चलिए कुछ राहत की बात समाजवादी पार्टी के लिए, कौशाम्बी में खाता खुला है। यहाँ पर पूरा पश्चिम शरीरा नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी जीती है। सपा की तारा ने भाजपा को 750 वोटों से मात दे दी है। ये ताजा अपडेट इस वक्त की कौशाम्बी से, और अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ भी नेक टू नेक फाइट थी, क्योंकि जीत का जो फासला है मात्र 730 वोट का है, और यहाँ आखिरी दौर पे जीत का मुंह देखने को मिला है। जब आखिरी राउंड की काउंटिंग होती है, कौशाम्बी के आंकड़ों पे भी नजर डालेंगे राजेंद्र, ताकि कौशाम्बी के सीटों का अंदाजा लग पाए दर्शकों को, कहाँ कहाँ कितनी सीटें और कौन कौन उस पर काबिज होता नजर आ रहा है। ये रहे कौशाम्बी के ग्राफिक्स, आप देखिए कौशाम्बी में नगर पालिका की स्थिति क्या है। बंजनपुर और भरवारी दो नगर पालिकाएं हैं, दोनों भाजपा के खाते में चली गई हैं। और नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर 8 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद थे, 8 नगर पंचायतें हैं, और वहाँ की स्थिति स्नेहलता बताएंगे। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सिराथू से बीजेपी की जीत, करारी से अन्य, पूरा पश्चिम शरीरा है यहाँ से समाजवादी पार्टी, चायल से अन्य और कड़ाधाम से अन्य, अजूबा से भाजपा, सराय अकील से अन्य और चरबा से अन्य। ये है कौशाम्बी का हाल। प्रयागराज से लगता हुआ जिला जहां पर प्रभाव माना जाता है, वहीं से डिप्टी सीएम आते हैं, और वहां पर जो कंडीशन है आपके सामने, सपा की भी मौजूदगी है, अन्य तो यहां पर 4 से 5 जगह जीते हैं। और ये देखिए श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है, इकोना नगर पंचायत से कांग्रेस की जीत की खबर आ रही है, जहां कुछ ही सीटें कांग्रेस के पास गई है, बहुत कम इक्का दुक्का। वो ये देखिए वही सीट इकोना की है, इकोना सीट पर तीसरे नंबर पर भाजपा चली गई है और जीत गई है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर है कांग्रेस की जीत की खबर श्रावस्ती के इकोना से। इकोना नगर पंचायत से कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया है। बिल्कुल, अगर गलत नहीं है, गजाला चौधरी नाम है इनका, और अपने दम पर चुनाव जीती हैं या फिर पार्टी का साथ मिला है, कैंडिडेट मजबूत रही हैं। फिलहाल विजय तिलक इनके सिर पर हो चुका है। श्रावस्ती से इकोना नगर पंचायत से बीजेपी को जीत देखने को। श्रावस्ती के समीकरण आप देख लीजिए, नगर पालिका यहाँ पर भिनगा और यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया बहुजन समाज पार्टी का, और एक नगर पंचायत है इकोना, यहाँ पर कांग्रेस, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल बात करें, ये छोटा सा श्रावस्ती है, राप्ती के किनारे बसता है, बाढ़ से परेशान रहता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि भिनगा, बसपा, इकोना, कांग्रेस। अब मेरठ से खबर आ गई, खरखौदा नगर पंचायत पर बसपा की जीत की खबर है। बसपा ने खरखौदा नगर पंचायत को जीत लिया है। मेरठ में बसपा के मनीष कुमार गौतम ने बाजी मार ली है। वहां पर बसपा के मनीष ने भाजपा के राजकुमार को हरा दिया है। बसपा के खाते में यह नगर पंचायत चली गई है। मेरठ के आंकड़े भी आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं, मेरठ में क्या स्थिति है, ये रही आपकी स्क्रीन पर। नगर पालिकाएं 2, सरधना और मवाना, एक पर बसपा, दूसरे पर भाजपा, और नगर पंचायत देखिए आप। बिल्कुल, नगर पंचायत अध्यक्षों की संख्या क्या है देखिए, हस्तिनापुर से अन्य को विजयी बना दिया हस्तिनापुर वालों ने, बसुमा से बसपा की विजय की खबर मिल रही है, दरौला से अन्य, लावर से अन्य, सिवालखात से अन्य, किछौर से बसपा है, और खिवाई से अन्य, खरखौदा से बसपा, और बड़ी खबर के लिए आजमगढ़ से बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे राजेंद्र। बिल्कुल, मेनगर नगर पंचायत की बात करेंगे, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी कौशल्या कनौजिया चुनाव जीत गई है। मेनगर नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। आजमगढ़ की नगर पंचायत है, और आजमगढ़ की बात ही कर लेते हैं, ये रही ये आजमगढ़ की स्थिति है। नगर पालिकाएं 3 यहां पर, और 2 में समाजवादी पार्टी काबिज है, आजमगढ़ सदर में और बिलरियागंज में। मुबारकपुर में अन्य को मौका मिला है। नगर पंचायतें यहां पर कुल 13 हैं, और यहां पर आप देख लीजिए अन्य के खाते में कई सीटें हैं, और बाकी कुछ जगहों पर महाराजगंज में सिर्फ भाजपा की मौजूदगी दिखाई देती है, बाकी सपा है, और ज्यादातर सीटों पर अन्य यानी कि निर्दलीय और छोटे दल दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बागी बलिया या आजमगढ़ को देखा जाए तो निर्दलियों को जिताने का ट्रेंड बरकरार सा दिखाई दे रहा है। और अब तस्वीरों को दिखा देते हैं हम दर्शकों को, जहाँ पर मिर्जापुर की तस्वीरें, ये जीत का सर्टिफिकेट है मिर्जापुर से, अपना दल है इसकी प्रत्याशी, यहाँ पर 96 सीट से विजेता घोषित किया गया राजेंद्र जी, सर्टिफिकेट उनको दिया जा रहा था, 96 में जीत वाला सर्टिफिकेट मिला है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और मिर्जापुर की क्या दे रही है सर्टिफिकेट, देखना अपना दल एसपी कैंडिडेट सर्टिफिकेट में मिल चुका है। 96 से विजय तिलक की एग्जैक्ट विजय तिलक की तस्वीरें हो गई राजेंद्र, तो ये तस्वीरें हैं, और इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी।
कोई जीतेगा, कोई जश्न मनाएगा, किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा और कोई हार के गम में दिखाई देगा। ये नतीजे और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रखेंगे। विजय तिलक हो रहा है और आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, कहां बवाल हो रहा है और कहां हार की खीज निकल रही है, ये तमाम चीजें एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर है, कानपुर की मेयर सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, प्रमिला पांडे जीत गई है। यहाँ पर शुरुआत में पीछे थी लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की है। प्रमिला पांडे फिर से एक बार मेयर चुनी गई हैं, इससे पहले भी वही मेयर थी, पिछले कार्यकाल में भी फिर से एक बार प्रमिला पांडे ही मेयर चुनी गई हैं। दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की है, शुरुआत में पीछे थी लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली। और ये देखिए तस्वीर, कानपुर की मेयर सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया। ये देखिए प्रसन्न चित मुस्कुराती हुई प्रमिला पांडे अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और बिल्कुल स्वाभाविक चूंकि उनके टिकट को लेकर वहां पर बहुत रार मची, वहां पर बहुत संघर्ष हुआ पार्टी के भीतर अंदर ही, और आखिरकार उनको टिकट दिया गया। दो बार तो कभी नहीं हुआ था, जब से जनता चुन रही है तो दो बार महिलाओं को हुआ, तो हम दोबारा जीते हैं। जनता को किस तरीके से आभार प्रकट करें? जनता को तो मैं आभार इतना व्यक्त करना चाहती हूँ कि जनता ने हमारा पूरा एकदम खुल के आके एकदम वोट दिया है, और हमको फिर से दोबारा जो मैंने 5 साल काम किया था, कुछ लोग जो बेईमान लोग बोलते थे उनके मुंह पर काली पोतते हुए इतनी वोटों से मुझको जिताया। बस प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता जो मेरा बचा काम है उसको मैं। अगर बात की जाए तो आप पर तमाम पर्सनल अटैक इस तरीके किए गए चुनाव में, आप एक प्रोपोगंडा चलाया गया। भाई प्रोपोगंडा का चलाया गया, कुछ लोग चलाए तो का कर लीन भाई, सत्य हमेशा जीतता है, ठीक है, असत्य का हमेशा नाश होता, असत्य ज्यादा पराजित होता है। मैं एकदम सत्यता, 5 साल काम किया, जिसने मान लो बात को कहा ये बात तो उसको 5 साल में करना चाहिए। चुनाव में मैंने भी तो चुनाव लड़ा, मैंने तो किसी कुछ नहीं कहा तुम्हारा लड़का ये है, तुम्हारी लड़की ये है, तुम्हारा लड़का हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। इन सब से जनता न्याय करती है, मैं जनता के दरबार में गई, जनता का न्याय है ये कानपुर का शहर। कानपुर शहर प्यार का शहर है, इसमें अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा, जो कि जनता ने इस बार दिखा दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर में किस तरह एकदम बन गई, एकदम धड़धड़ा के चलेगी, खड़खड़। प्रमिला पांडे अपने अंदाज में कहती हुई कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन गई है तो धड़धड़ करते हुए और बहुत तेजी के साथ रफ्तार। कौन सी गाड़ी मोदी जी ने बनाया है, कौन चलती है? नहीं, एक और चलती है, वंदे भारत, वंदे मातरम, धड़धड़ करती हुई पहुंच जाए। अपने अंदाज में अपनी प्रसन्न चित प्रमिला पांडे, इनका अपना ही अंदाज है बात करने का, और जीत के बाद वो अंदाज और मुखर रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल, बंटी टैक्स करिए नकार दिया जो आरोप था, बहुत बड़ा आरोप था, और उनका ये कहना है कि अगर मेरे बेटे के नाम पर टैक्स वसूली का आरोप था तो 5 साल लगाते चुनावी मुद्दा क्यों बनाया। कानपुर नगर की बात कर लेते हैं, समीकरण आप देख लीजिए, 2 नगरपालिकाएं हैं, घाटमपुर और बिल्हौर। एक पर घाटमपुर में समाजवादी पार्टी की जीत है, बिल्हौर में अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। नगर पंचायतों की बात करते हैं। बिल्कुल, नगर पंचायतों के अध्यक्ष की बात करें तो शिवराजपुर से बीजेपी की जीत और बिठूर से भी बीजेपी, यानी कानपुर नगर से दोनों नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद बीजेपी के नाम रहे। बिल्कुल, तो कानपुर नगर में 2 नगर पालिकाओं में आपने देखा क्या स्थिति है, और 2 नगर पंचायतों में भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मजबूत दिखाई दे रही है। विजय तिलक किसका हो चुका है, इस टैली के जरिए आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अब रुझान नहीं परिणाम है, और वो तस्वीरें तमाम है जहां पर विजय तिलक हो रहा है या होने वाला है समर्थकों का जश्न, तो कहीं बवाल तो कहीं गुस्सा हार का, तमाम चीजें दिखाई दे रही है, भगवा लहर दिखाई दे रही है पूर्व से पश्चिम तक, ये बहुत साफ है। 17 नगर निगम की सीटों पर कहीं भी किसी और दल के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए कोई अवसर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है। और आपको प्रयागराज की बात दिखाते हैं, प्रयागराज के समीकरण दिखाने का समय है, किसकी वहां पर जीत हुई है, क्या स्थिति है। नगर पंचायत अध्यक्षों की अगर बात करें तो देखिए आप, 8 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद है प्रयागराज में, और आप देख लीजिए लाल गोपालगंज में बसपा, हंडिया में समाजवादी पार्टी, कोराव में समाजवादी पार्टी, सिरसा में समाजवादी पार्टी, और इसके अलावा भारतगंज में अन्य है, मऊ आईमा में समाजवादी पार्टी, फूलपुर में बीजेपी और शंकरगढ़ में अन्य। ये ग्राफ तो बीजेपी के फेवर में जाता नहीं दिख रहा है राजेंद्र। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के फेवर में है, मात्र एक ही फूलपुर सीट है जो हत्या चढ़ी है, बाकी सारी सीटों पर
बसपा सपा खासकर सपा के पास 3 सीटें दिखाई दे रही हैं, पंचायत अध्यक्ष की 4 और अन्य के खाते में 2 गई हैं। यानी प्रयागराज में मेयर तो खूब बनता है लेकिन पंचायत अध्यक्ष के लिए जनता का जनादेश कुछ और कहता है। बिल्कुल, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला है प्रयागराज में, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बड़ी खबर, काकोरी में कुछ भी हो सकता है। लखनऊ काकोरी नगर पंचायत में कड़ा मुकाबला चल रहा है। भाजपा के रोहित साहू कम अंतर से आगे हैं वहां पर, लेकिन मुकाबला कड़ा है। भाजपा आगे जरूर है लेकिन मुकाबला कड़ा है। काकोरी नगर पंचायत की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, काकोरी नगर पंचायत का जिक्र करें, बीजेपी के रोहित साहू आगे तो हैं लेकिन अंतर बहुत कम है, अभी भी कुछ राउंड्स बाकी हैं और बाजी पलट सकती है, इसीलिए काकोरी सीट पर नजर रखना होगा। बिल्कुल, अब आइए आपको क्षेत्र के बारे में बताते हैं, क्षेत्रवार स्थिति क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर नगर निगम की 10 सीटें हैं, 10 भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी और के लिए कोई मौका नहीं। लेकिन नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 96 नगर पालिकाएं हैं और अध्यक्ष पदों की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास 44, सपा के पास 14, बसपा के पास 9, कांग्रेस के पास 2, लेकिन निर्दलीय और दूसरे दलों के पास आरएलडी के पास 27 नगर पालिका अध्यक्ष पद हैं। भाजपा निश्चित रूप से नंबर 1 है यहाँ पर। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों तक, ये बड़ी खबर पहुंचाते हैं इटावा से। 3 नगर पालिकाओं पर समाजवादी पार्टी की जीत की खबर है। समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है इटावा की 3 पालिकाओं पर। और देखिए, अब इटावा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी शिवपाल यादव ने संभाली थी और एकदम 100% रिजल्ट है। और नगर इटावा में देखिए, आप नगर पालिकाएं 3, इटावा की, जसवंत नगर की और बर्थना की, इन 3 ही नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और अगर बाकी 3 नगर पंचायतों की बात की जाए, अध्यक्ष पद की बात की जाए, तो यहाँ पर बंटवारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक दिल देखिए अन्य जीतता है, बकेवर दिखता है समाजवादी पार्टी के साथ और लखनऊ में बसपा का कैंडिडेट जीतता है। यानी नगर पंचायत में फिर भी 3 सीट पर 3 कब्जे दिखाई देते हैं जिसमें 2 तो पार्टी और 1 अन्य की जीत है। इटावा का जनादेश आपके सामने है। और अब पूर्वांचल की बात करना जरूरी, बड़ा क्षेत्र, अगर क्षेत्रवार बात करें तो पूर्वांचल में 3 नगर निगम, गोरखपुर का, वाराणसी का नगर निगम इसमें शामिल और 3 में भाजपा की जीत। पालिका अध्यक्षों की बात करें, 35 नगर पालिका अध्यक्ष पद है और इसमें भाजपा ने 15 पर जीत हासिल की है या करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास 8 सीटों पर मौका है, बसपा के पास 4, कांग्रेस के पास 2 और अन्य और छोटे दलों की बात की जाए तो वो 6 पर आ गए। पंचायत अध्यक्षों की संख्या होती है 177 पूर्वांचल से 176 पे नतीजे आ रहे हैं जिसमें बीजेपी 68 के साथ है, समाजवादी पार्टी 33 के साथ दिखाई दे रही है। आप अवध का जिक्र कर लेते हैं। अवध क्षेत्र, ये रहे समीकरण, नगर निगम यहाँ पर 3 और 3 में भारतीय जनता पार्टी या तो आगे है या तो जीत चुकी है। नगर पालिका अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर 50 पद हैं इसके, भाजपा 17 पर या तो आगे है या जीत रही है, समाजवादी पार्टी 13, यहाँ पर थोड़ा नजदीकी मुकाबला है, थोड़ा सा करीब है समाजवादी पार्टी, लेकिन बसपा काफी पीछे, कांग्रेस बहुत पीछे, अन्य यहाँ पर 14 सीटों पर आगे हैं या जीत चुके हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्रवार नतीजे क्या कहते हैं। नगर निगम झांसी इकलौता नगर निगम है, वहां से बीजेपी की जीत है। पालिका अध्यक्ष की बात करें, 18 सीट है जिसपे बीजेपी 12 है, समाजवादी पार्टी 1, बसपा के पास 3 सीटें गई हैं, कांग्रेस या अन्य का खाता नहीं खुला है। पंचायत अध्यक्षों की बात कर ले, 33 में 33 सीटों के रुझान या नतीजे, बीजेपी 11, सपा 5, बसपा 2 पर काबिज होती दिख रही है, कांग्रेस के पास 3, यहाँ भी अन्य बीजेपी से भी ज्यादा है राजेंद्र, जो है 12 की संख्या में। बिल्कुल, लेकिन नगर पालिका अध्यक्षों की बात की जाए तो भाजपा बहुत आगे और उसके आसपास कोई भी नहीं, यहाँ तक कि अन्य भी नहीं, यहाँ मुकाबला बिल्कुल भाजपा के फेवर में है। डिजिट है पार्टी, सारी पार्टीज के लिए। बुंदेलखंड में 1 ही नगर निगम की सीट है झांसी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जीत ली थी, उसी का रिजल्ट सबसे पहले आया था, बहुत बड़े मार्जिन से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती और अन्य स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली है। लेकिन पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो अन्य ज्यादा है। बिल्कुल, छोटा सा बुंदेलखंड सूखा लेकिन बारिश हो गई वोटों की बीजेपी के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल की खबर है। जी, चंदौली में मतगणना स्थल के बाहर ही बवाल होने की खबर मिल रही है इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें, चंदौली नगर पालिका अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हो गई है। मारपीट के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है। पूर्व चेयरमैन इम्तियाज अहमद की गाड़ी को तोड़ दिया गया है और पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है वहां से। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चंदौली से।
ये देख सकते हैं आपकी कार का शीशा टूटा हुआ है, एक शख्स गिरा के उसे पीटा जा रहा है, बाकी लोग उसे घेरे हुए हैं, भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर पुलिस की टीम दिखाई दे रही है, बावजूद इसके आपस में गुत्थम गुत्था होते कुछ लोग भी दिख रहे हैं। ये चंदौली से तस्वीरें आई हैं, अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर बात आगे बढ़ गई। पुलिस की मौजूदगी में ही लोग एक दूसरे को पीटते तोड़ फोड़ करते नजर आए। ये कार देख सकते हैं नीले रंग की, इसके शीशे टूटे हुए हैं, इस पर पथराव हुआ है। यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पुलिस के सामने ही लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नगर पालिका अध्यक्ष पद के दो प्रत्याशियों के बीच में देखिए मारपीट और हंगामा। चंदौली की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें, मारपीट और बवाल की तस्वीरें, तो जगह जगह मारपीट की तस्वीरें आई हैं। चाहे बागपत की बात कर ले, बड़ौत से तस्वीरें आई, मेरठ से तस्वीरें आई, और इसके साथ कुशीनगर से भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। चंदौली की बात हो रही है तो चंदौली के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। चंदौली में क्या स्थिति रही ये देखिए आप। एक ही नगर पालिका, वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका भाजपा ने कब्जा किया है इस पर, और नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तीन यहां पर पद है उसके। बिल्कुल, चंदौली से अन्य की जीत हुई है, चकिया से भाजपा की जीत है, सैयद राजा से भी भाजपा की जीत है। तो ये देखिए नगर पंचायत अध्यक्ष की तीन सीटों पर, एक चंदौली को छोड़ दिया जाए तो दोनों सीट पर बीजेपी इस वक्त काबिज दिखाई दे रही है, या फिर बहुत जल्द काबिज हो सकती है। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन है भाजपा का, चाहे नगर पालिका की बात करें या नगर पंचायतों की बात करें, चंदौली में मजबूत प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। कुछ और तस्वीरें हमें मिल रही है इसी बीच में, परिणाम और रुझान तो मिल ही रहे हैं, तस्वीरें भी मिल रही है मैनपुरी की। करहल में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबर है। काउंटिंग को लेकर सपा भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, भाजपा की शिकायत पर वहां पर रिकाउंटिंग हो रही थी मैनपुरी की करहल नगर पंचायत काउंटिंग सेंटर पर, हंगामा भाजपा और सपा कार्यकर्ता आमने सामने। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी से भी खबर आई है, करहल से, ये काउंटिंग रूम का वीडियो आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ मांग की जा रही है कि रिकाउंटिंग हो, पूरा मामला तना तनी में बदल गया, हालांकि फोर्सेस तैनात थी ताकि सिचुएशन को। मैनपुरी के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, मैनपुरी की बात हो रही है तो नगर पालिका अध्यक्ष पद मैनपुरी की नगर पालिका पर कब्जा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने, ये उनका स्ट्रांग होल्ड भी है। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर 9 नगर पंचायतें हैं। ज्योति खुड़िया में अन्य का मौका है, भोगांव में भाजपा, गिरौर में भाजपा, किशनी में समाजवादी पार्टी, करहल में समाजवादी पार्टी जी, इसके अलावा बेवर में सपा, बरनाहल में भाजपा, कुरावली में भाजपा और कुसमरा में भी भाजपा। ये मैनपुरी का जनादेश है, जरा देखिए नगर पंचायतों में बीजेपी का टर्नओवर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें कुसमरा, कुरावली, बरना, गिरौरा, भोगांव और किशनी सपा से है, तो काफी हद तक पंचायतों पर अच्छा असर दिखाई दे रहा है बीजेपी का। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, नगर पंचायतों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है मैनपुरी में और अलीगढ़ से। और देखिए अलीगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट जो कि जीत चुके हैं प्रशांत सिंगल, उनसे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी की बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है इस विजय को लेकर के सुनते हैं। तरीके से जीत का श्रेय आप किसको देंगे, जीत का श्रेय किसको देंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार की मांग की गई थी? सबसे पहले ऊपर वाले को, बीजेपी के संगठन को, मोदी जी, योगी जी को, जिन्होंने युवा चेहरे को एक मौका दिया इस मेयर प्रत्याशी को उतार कर। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई को, भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, जो 24 घंटे हम सबके संग एक टीम बन के चले। उससे भी बढ़कर मैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बिना आपके ये भाई, ये भाई बेटा अधूरा है, और जनता का प्यार के बिना तो हम वैसे भी अधूरे हैं सब जन। जो जनता ने प्यार आशीर्वाद इतनी बड़े से जिता के कराए, मैं जनता से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपका ये प्यार आशीर्वाद मुझे 5 साल के लिए नहीं, अपने जीवन के आखिरी दम तक आपका ये प्यार और आशीर्वाद चाहिए। इस बेटे के अंदर इतनी शक्ति हो कि आप जो अलीगढ़ का सपना उन्होंने देखा है, वही अलीगढ़ का सपना मैंने देखा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए बेटा जो कुछ भी शक्ति, बुद्धि, समय है, वो आप सबकी जनता के लिए समर्पित रहेगा। इसी उसके संग जो मैंने पहला अपना ये अभियान शुरू किया था, राम काजू की वही नहीं विश्राम, अब ये बेटा रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं होगा, अब तो सिर्फ अलीगढ़ का विकास होगा। अलीगढ़ में विजेता की बात आपने सुनी, जो मेयर पद के प्रत्याशी जीते प्रशांत सिंघल, लेकिन वहां पर समीकरण क्या है ये देख लीजिए आप। अलीगढ़ में 90 वार्ड थे, कुल 54 यहाँ पर जो है रिजल्ट्स आए हैं, भाजपा के पक्ष में 30, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 15, बसपा के पक्ष में 5, कांग्रेस 1 पर और अन्य को 3 पर अवसर मिला है। हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, 90 वार्ड्स और 54 के परिणाम या रुझान अभी तक सामने आए हैं।
बिल्कुल, और यहाँ पर बीजेपी के लिए 30 वार्ड पर विजय दिखाई दे रही है। और अयोध्या के आंकड़े भी आ चुके हैं, दर्शकों को बताएं अयोध्या में 60 में 60 पर आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी के लिए 27 सीट दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी के लिए 17 सीट जीत गई है या जीतने वाली है, बसपा के लिए ये आंकड़ा 3 का है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और अन्य यहाँ पर काबिज हुए हैं 13 की संख्या में। आप इन तस्वीरों को देखकर के अंदाजा लगाइए कि अयोध्या का जनादेश किस तरीके का रहा। अयोध्या में जनादेश निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में है, मेयर पद पर उनके प्रत्याशी जीते हैं और 27 वार्ड भी उनके पक्ष में है। और ये देखिए आप आगरा 100 वार्ड यहाँ पर और 100 वार्ड में 50 अकेले भाजपा के पास है, यहाँ भाजपा का शानदार प्रदर्शन निश्चित रूप से कहा जाएगा। 3 सिर्फ वार्ड समाजवादी पार्टी के पास गए और बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। 22 वार्ड बहुजन समाज पार्टी ने जीते हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 1। और ये अन्य की संख्या 24 है, ये किसके छूटे छिटके बागी हैं, किसे टिकट नहीं मिला कि ये दांव खेल गए, ना समाजवादी पार्टी ना बसपा उनसे कहीं आगे, ना कांग्रेस, ये निर्दलीय निकले हैं। ये आगरा का जनादेश है, वहां की जनता ने इन लोगों को चुना है, जहां कांग्रेस बसपा सपा को ना चुनने के लिए आंकड़े काफी है, बताने के लिए काफी है कि जनता ने नहीं पसंद किया है। बीजेपी 100 में 50 पर जीत गई है और यहां मेयर भी बना गई है। कुल मिलाकर के यहां लड़ाई या फाइट बसपा की ओर से थी, लेकिन वार्ड में वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा है, वो जलवा नहीं दिखाई दे रहा है जो बीजेपी ने कायम किया है। बिल्कुल, लेकिन पार्टी के तौर पर बसपा दूसरे नंबर पर है। बाद मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आज मैं बोलूंगी तो आप लोगों के कि ये तो कागजी बातें जो होती हैं, 2 महीने बाद पूछिएगा, मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगी नए प्रोजेक्टों के साथ। हेमलता दिवाकर आगरा में उतरेगी। बीएसपी लगातार टक्कर दे रही थी, लेकिन 10वें राउंड के बाद चीजें पूरी तरह से शिफ्ट हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगा, मुझे तो जिस दिन से मैंने पर्चा दाखिल किया था महापौर के लिए, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई टक्कर में यहाँ पर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश जो था, जनता का जो जोश था, और सुबह 7 बजे से जब मैं जनता के बीच रहती थी, 16-17 घंटे तक रहती थी, वो देखती थी जनता का प्यार भाजपा को मिलेगा। सवाल, शहर की सरकार एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है मेयर का, शहर के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं, शहर में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, पूरे शहर में अभी भी पानी नहीं मिला, या सड़कों में गड्ढे, ये छोटे छोटे जो बेसिक जो कमियां हैं या समस्याएं हैं, क्या उसको किस तरह से प्राथमिकता? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आगरा में चल रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं, जो प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं मुझे लगता है कि पहले मैं उन पर सोचूंगी, अधिकारियों के साथ, अपने प्रबुद्ध वर्गों के साथ बैठकर उस प्रोजेक्टों को पूरा करूंगी और नए प्रोजेक्टों के साथ सरकार के पास जाके नए प्रोजेक्ट के लिए बजट लेकर आऊंगी। हेमलता दिवाकर कुशवाहा, शहर की नई सरकार का नाम, उनका कहना है कई सारे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट वो नए लॉन्च करेंगे। तो जश्न हेमलता दिवाकर भी मना रही है, तमाम विजयी उम्मीदवार भी मना रहे हैं और जश्न शुरू होने वाला है भाजपा के दफ्तर पर लखनऊ में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जय तिलक किस तरीके से हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, कहां नतीजे किसके पक्ष में आ रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी है और इन तस्वीरों पर हम लगातार बने हैं राजेंद्र। बिल्कुल, आपको भाजपा के कार्यालय लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला वहां पर मौजूद है लखनऊ में, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और वहां पर दिवाली जैसा माहौल है। अनुभव, जो कुछ आप देख रहे हैं सब विस्तार से बयान करें। देखिए बिल्कुल अनिल, यहाँ पर तो जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यालय पर, और आप देखिए दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँच गए, ऊपर तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वहीं मौजूद हैं, तो सारे लोग पहले वहीं जा रहे हैं और वहीं पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं, और इसके अलावा जो हम कहें समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो भी मुलाकात कर रहे हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से, उन्हें बधाई दे रहे हैं जीत की ये बधाई, और जिस तरीके से रणनीति तैयार हुई इस बार चुनाव में उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो तैयारी की ये परिणाम है, जहाँ पर 17 जो नगर निगम की सीटें हैं मेयर की, वहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। बीजेपी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब भी निकाय चुनाव हुए 17 में 2012 में, तो उसने काफ़ी सीटें जीती, लेकिन अंतर इस बार ये है कि यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 17 में जब सभी जो 17 सीटें हैं उनमें कुछ पर वो जीत चुकी है, कुछ पर वो आगे चल रही है, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचना है, और आप देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ कर दिए गए हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके बाद
जो जश्न है वो शुरू होगा। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा भी लेकर पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े भी यहां पर हैं और अब इंतज़ार है मुख्यमंत्री का कि यहां पर जो जश्न है वो मनाया जाए। और ज़्यादातर अगर हम कहें कि जो ये नगर निगम की सीट है सभी 17 जगहों पर, वहां पर बीजेपी ने जो तैयारी की, जो रणनीति उसने तैयार की, 17 सीटें जीतने की बात बीजेपी के लोग करते थे और आज जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी जीतती नज़र आ रही है। कुछ जगहों पर तो उसे जीत भी मिल गई है, कई जगहों पर तो उसकी जो जीत है वो पिछली बार से भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वोटों से उसे जीत मिली है। और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण इसलिए था कि हमें अपनी जो तैयारी है उसे परखना था, जो तैयारी हमने की खासतौर से बूथ लेवल तक उसे हमने जांचा इसके जरिए, और कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए भी पार्टी इसी रणनीति के तहत, यानी जो बूथ मैनेजमेंट है बीजेपी का उसको ही आगे लेकर जाएगी और उसी रणनीति के तहत वो अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में भी जुटेगी। बिल्कुल, अभी वहां पर भाजपा के दफ्तर में और कौन कौन से बड़े नेता मौजूद है अनुभव, एक बार ये जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल, अभी अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंच चुके हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंच चुके हैं और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद हैं, वो तो ऊपर ही मौजूद है, जहाँ पर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और MLC जो हैं महेंद्र सिंह वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं जो मंत्री सरकार के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ आप देखिए अभी जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है और जिस तरीके से ये हम कहें कि एक्टिविटी बढ़ गई है और सायरन हमें सुनाई दे रहा है, तो शायद मुख्यमंत्री अब आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो पहुँचेंगे और उसके बाद सारे लोग जो है जहाँ यहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता जुटे हैं वो जश्न मनाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, आतिशबाजी होगी और फिर उसके बाद जो हम कहें कि जो पार्टी का हॉल है वहाँ पर हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करें, तो सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और ये बीजेपी कह रही है कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस बार के निकाय चुनाव में हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, हम सभी सीटों पर जीतेंगे। और केवल अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं तो देखिए लगातार जो लोग हैं पार्टी के, देखिए ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी यहाँ पहुँच गए हैं, जो गठबंधन के सहयोगी दल के नेता हैं निषाद पार्टी के, और कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद वो भी यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए हैं, अब मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है और चंद मिनटों में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देखिए ढोल नगाड़े ये हम दोपहर से ही देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े जो है वो लगातार इसी तरह से जैसे ही जो रुझान शुरू हुए और पार्टी 17 जगहों पर आगे हुई सभी नगर निगमों में, उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरीके से ये ढोल नगाड़े जो है वो बजने शुरू हो गए थे। और अब जिस तरह से हम कहें कि बीजेपी की जो मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल, वो भी कहा जा रहा है कि यहाँ अभी पहुँचेंगी, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से जीत मिली है तकरीबन 130,000 वोटों से वो आगे चल रही थी और फिर उसके बाद अब वो भी यहाँ पहुँचने वाली, तो एक तरीके से पूरा जश्न का माहौल है। आप देखिए जिस तरफ भी आप देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता आपको उधर भी नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता तो जैसे ही हम कहें कि रुझान शुरू हुए थे आने उसके बाद से ही यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। बीजेपी ये कह रही है राजेंद्र कि देखिए हमने तो इस चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ा, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था कि ये चुनाव हो रहे हैं नगर निगम में और हम नहीं जीत पाएंगे तो क्या मैसेज आएगा, नहीं, बल्कि हमें तो लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, 80 लोकसभा सीटें हमने जीतने का लक्ष्य 24 में रखा है और उसकी तैयारी के लिए हमें कार्यकर्ताओं को भी तैयार करना था, और इसीलिए हमने इस निकाय चुनाव में तकरीबन 3 महीना पहले से ही जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव कर दिए थे। तमाम सारे जो अभियान है, कार्यक्रम है, जो आप देखिए लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, तमाम सारे जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो मतदाता जागरूकता अभियान हो, चाहे वो बूथ सशक्तिकरण अभियान हो, वो सारे जो कार्यक्रम चलाए गए उसका फ़ायदा बीजेपी कह रही है कि हमें इस चुनाव में मिला है, कार्यकर्ता हमारा एक्टिव हुआ है और कार्यकर्ता के एक्टिव होने से वोटिंग हुई और वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई। मुख्यमंत्री अब आने वाले हैं, जो फ्लीट है वो हमें नज़र आ रही है और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, और जब वो पहुँचेंगे उसके बाद जो है ये जो कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पर जश्न का रखा गया है वो शुरू होगा। और
ठीक है, तो मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है वहां पर। और आपने दिखाया कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं। दिवाली का माहौल है, कई बड़े नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, सब मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जश्न ही जश्न है भाजपा के कैंप में। तस्वीरें और भी हैं, अभी लगातार नतीजे भी आ रहे हैं, कुछ जगहों के रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ एबीपी गंगा पर जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।